इसका सीन ऐसा हुआ कि ऊपर गई, इतना हल्का वेट होने के कारण कि वहीं पलट गई। भाई साहब, ये ऐसा दुनिया का टेलीस्कोप पॉइंट है जहाँ पर टेलीस्कोप ही नहीं मिलेंगे आपको। आ जाओ भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शिवम दिस साइड, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेथ ग्लाइडिंग। आज है 12th मार्च एंड अभी टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। एंड सबसे पहले तो आप व्यू देखो होटल से मेरे। सो फ्रेंड्स, अगर आप वहां पर देख रहे हो ऊपर जो हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, वहां पर हमें जाना है जाखू टेम्पल। सबसे पहले ट्राई करेंगे वहां जाने का एंड देन उसके बाद हम जाएंगे कुफरी एंड देखेंगे कितनी जगह मैक्सिमम पॉसिबल कवर कर सकते हैं हम। तो यार, प्लान में कुछ चेंज है। मौसम ख़राब होने की वजह से मैं अभी टैक्सी कर रहा हूँ एंड टैक्सी में ही मैं कुफरी घूमूंगा पूरा। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारी टैक्सी रेडी हो गई है एंड इटियोस में हम जा रहे हैं कुफरी। शिमला से कुफरी के रास्ते में ये एक सेंट एडवर्ड स्कूल आता है। राज भैया बता रहे हैं, राज भैया एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, राज भैया हमारे साथ है, ये हमारे को पूरा कुफरी घुमाने वाले हैं। तो जो इन्होंने बताया कि जो सेंट एडवर्ड स्कूल है तो उधर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है। बिल्कुल, सेंट बीट्स कॉलेज शिमला का सबसे महंगा कॉलेज है एंड ये 1904 में बना है। अच्छा, यहाँ की एक खास बात ये है कि यहाँ पर प्रीति जिंटा और कंगना रनौत ने भी पढ़ाई यहीं पर की है। ये ग्रीन वैली आप देख रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे गदर फिल्म का शूटिंग हुआ है। हाँ। और जो ये आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे देवदार के हैं। अच्छा। और ये पेड़ कोई लगा के नहीं किया गया है। हाँ। ये सारे खुद मतलब खुद प्राकृतिक है। अच्छा, तो नेचुरल ब्यूटी है सारा। ब्यूटीफुल। और सामने आप गांव जो देख रहे हैं ये वर्ल्ड फेमस गाँव है सरोग। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च का नाम आप सुने होंगे सारे। हाँ, लोग शिमला मिर्च। हाँ, तो शिमला मिर्च की जो सबसे ज्यादा फसल होती है। अच्छा। तो वर्ल्ड फेमस गांव सरोग में होती है। अच्छा, तो अच्छा। इसीलिए ये वैली फेमस है जी। तो इस ग्रीन वैली के व्यू पॉइंट के सामने ही बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर भी, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर पहाड़। तो मैं इनको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, मेरे साथ है किंजल जो कि एक को ट्रैवलर है एंड मेरे को होटल में मिली थी, तो मैंने कहा इनके साथ ही प्लान करते हैं आने का। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, टेम्परेचर हो रहा है करीब 5 डिग्री एंड आगे देखते हैं और भी रिड्यूस होगा टेम्परेचर। ये आगे हमारा एक स्टॉप हिपे फोर्रे एडवेंचर पार्क, तो यहाँ देखते हैं अगर एक्टिविटीज़ करने का मन किया तो यहाँ एक्टिविटीज़ कर लेंगे। देखिए, एडवेंचर में हमारे पास रिवर्स बंजी, जिप लाइनिंग, लैडर ब्रिज, नेट क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, ये 5 राइड्स है। इसका 700 का टिकट है पर हेड का। एम्यूजमेंट में हमारे पास डैशिंग कार्स, हॉन्टेड हाउस, वीआर, फ्रिस्बी, टॉप स्पिन एंड मिरर मेज। यहाँ से 6 राइड है, इसका भी 700 का टिकट है। दोनों कंबाइन करेंगे 1000 का कॉम्बो। 700 रुपये में आपको मिलेगी 6 एक्टिविटीज़, कॉम्बिनेशन में कोई भी कर लो 6, एंड अगर 1000 रुपये दोगे तो आपको 11 मिलेगी टोटल। इनके पास 11 एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर 1300 और दे दोगे तो आपको 11 एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, वरना 700 रुपये में 6 एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो यार, अभी हम करने वाले हैं जिप लाइनिंग, वो देखो वो गई। तो ये वाली जिप लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली करने के बाद हम वो वाली करेंगे। ये बंजी जंपिंग है, रिवर्स बंजी करेंगे अभी ये वाली एक्टिविटी। भाई साहब, तो देखो यार, वैसे एडवेंचर का तो कोई शौक नहीं है बट तुम्हारा भाई सब तुम्हारी खातिर कर रहा है, तो मैं दिखाने के लिए किस टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। तो यार, लाइक तो बनता है एक, सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वो वाला करने जा रहे हैं, बना ही कुछ और हो गया। उसमें तो लगी गई, इसमें भी लगेगी शायद। तो ये जी जा रहे हैं मिरर मेज में, ये भी एक एक्टिविटी है। ये भूल भुलैया है, समझ नहीं आएगा, मिलते हैं पूरा क्रॉस करने के बाद।
व्यू देखो, व्यू करते हैं भाई, कर और भी लोग हैं। तो एडवेंचर पार्क में बहुत मज़ा आया और हमने 6 एक्टिविटीज़ करी। बस मिरर मेज वाली मत करना, वो इतनी कुछ खास नहीं थी, बाकी सारी बढ़िया थी जितनी भी आपको दिखाई मैंने। और इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, तो अभी काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड हम जा रहे हैं इस समय फागू, तो चीनी बंगला जा रहे हैं पहले ना, चीनी बंगला फिर फागू, वहाँ से हम हॉर्स पे जाएंगे भाई। इतनी बारिश में हॉर्स हो जाएगा तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर स्किप कर जाएंगे हम। अभी हम जा रहे हैं चीनी बंगला, चीनी बंगला। तो जी वहाँ जा रहे हैं मैगी खाने, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है यार। तो भाई राज भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें कुफरी घुमाया बिल्कुल तसल्ली के साथ। तो आ गई हमारी मैगी, एंजॉय करते हैं मैगी को। तो अपने हाइकिंग शूज़ जो मैंने लिए थे डीकैथलॉन की वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, तो ये अब पहन के ये काम आ रहे हैं यहाँ पे। अब वो वाला वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप देखना ज़रूर उसको कि ये कितने के पड़े और कैसे क्या इसमें फ़ीचर है, इसमें ऐसा कुछ खास। तो ये डीकैथलॉन से लिए थे, तो अब चलते हैं पहाड़ों के ऊपर। रेन कवर ले लिया यूज़ेंथ्रो वाला एंड अभी निकल रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने, घोड़ा रेडी है पीछे की तरफ। तो भाई ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है तुम्हारा भाई और जा रहे हैं ऊपर की तरफ। रोड तो ये रास्ता जो है वो थोड़ा गंदा है, बट ठीक है, देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। और ये हमारा घोड़ा, तेरी भाई डर लग रहा है, हमारे भाई ने तुम्हारे लिए घोड़ा भी कर दिया और बताओ भाई थोड़ा सावधान ना, मोबाइल वाले अंदर रख रहा हूँ मैं, ऊपर जाके दिखा दूँ तुम्हें। देख लो यार इस टाइप का रास्ता है पूरा भाई, ये कोने में जा रहा है, इस टाइप का रास्ता है। पता नहीं कैसे कोई चल भी नहीं सकता, पता नहीं लोग कैसे चल के आ रहे हैं। या तो मत ही आओ, अगर आना है तो घोड़ा गाड़ी करके आओ, घोड़ा गाड़ी नहीं घोड़ा। भाई डर लग रहा है मोबाइल ना गिर जाए, अगर गिरा ना फिर भाई के सारे ब्लॉग गए। बोलते इसको चना चाट, अरे आलू टिक्की जो कि हमारे यहाँ मिल जाती है नॉर्मल, छोले लगा के देंगे। अरे यार मोमोज भी है यहाँ पे, मोमोज भी है। घोड़ा करने से पहले मैंने गाड़ी में रख दिया था माइक, तो बस थोड़ी सी विंड नॉइज भी आएगी। तो ये आ गए हम टेलीस्कोप पॉइंट, ये बार बार उड़ती जा रही है हवा में, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्या एक फ़ायदा तो है यार, ये जो तुम्हारा हाइकिंग शूज़ है वाटरप्रूफ वाले, इन्होंने पूरी गर्मी कर रखी है पैरों में, ठंड नहीं लग रही यार। टेलीस्कोप पॉइंट कट गया भाई, कट गया पता ना यार, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। देखो भाई पैसे वसूल हो गए घोड़े के, तो घोड़े ने 500 रुपये लिए थे भाई ऊपर चढ़ाने के, और उसके बाद हाइक करके आ रहे हम। ये नीचे से तो ये नज़ारा तो नीचे से ही देख लिया था यार, एक्चुअली रास्ते में ज़्यादा अच्छा व्यू था, रास्ते में ज़्यादा अच्छा व्यू था। हाँ थोड़ा बहुत घोड़ा करने में अच्छा लगा, मतलब मज़ा आया राइड करने में, बट ये तो यार मत ही करना यार, मत करना बहुत बेकार है। ये देखो कितनी खुश लग रही है ना, सब दिखा हुआ है सब। देखो उल्टा लिखा हुआ है, समझ जाना ऊपर टेलीस्कोप पॉइंट है जो अभी दिखाया था मैंने। ये ऐसा दुनिया का टेलीस्कोप पॉइंट है जहाँ पर टेलीस्कोप ही नहीं मिलेंगे आपको, आ जाओ भाई। यार मेजरली बचा है जू कुफरी का, वैसे तो यार चंडीगढ़ वाले व्लॉग में मैंने डाल दिया था, आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ का जू मैंने विजिट किया था, वो जू सही था, अच्छा था, विजिट करने लायक था। देखो जी वहाँ पर है टेम्पल, वो दूर ऊपर, हम नहीं जा रहे अभी ना। एक भाई मिला, उसने मुझे ये बता दिया कि ये बंद भी हो जाता है, बार बार नीचे गिर रहा था ना, अब नहीं गिरेगा। हम वापस यहाँ से चढ़ाई करके जाना पड़ रहा है ऊपर, घोड़े वहाँ पर खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को काफ़ी बाकी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, एडवेंचर पार्क सही था, सब कुछ सही था। ये भी अगर आप रखते हो थोड़ा सा शौक है आपको हाउस राइडिंग करने का, प्लस ऊपर के कुछ व्यूज़ देखने का, जो भी मुझे कुछ बहुत खास नहीं लगे, या तो बारिश के मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ अच्छे नहीं आए हैं, मतलब दिख नहीं रहा था धुंध बहुत ही ज़्यादा, तो देख लो आप कर सकते हो भाई गया, तो आप देख लो यार अगर हॉर्स राइड करना हो और थोड़ा बहुत व्यू देखना तो कर सकते हो, आ सकते हो। वैसे जो मैं ऊपर गया था जहाँ पे, वहाँ पर और भी जगहें थी, ऑर्चर्ड और माशू पीक, देशू पीक, ये सारे थे, हाँ, पर आप बट वो मिस कर गए क्योंकि
थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है एंड हमने सोचा कि वापस ही निकलते शिमला की तरफ। तो यार मैं आया हूँ अभी हिमाचली रसोई में, जो कि है मॉल रोड में जो प्यूमा का स्टोर है उसके साइड में जो स्टेयर्स आ रही है वहाँ से नीचे उतर के लेफ्ट साइड पे आके आपको हिमाचली रसोई मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरा मोटो ये था यहाँ आने का कि मुझे ट्रेडिशनल फूड खाना था यहाँ का हिमाचल का। तो ये यहाँ के मैनेजर हैं एंड आपका नाम क्या भैया? अजय शर्मा सर। अजय शर्मा, आप बताइए कि यहाँ पर क्या फेमस है? सर हमारे पास हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड मिलता है। ठीक है, जैसे सर हमारे पास दो तरह की धाम रहती है, मंडियाली धाम और कांगली धाम, जो यहाँ हिमाचल की स्पेशल थाली होती है जो स्पेशल ओकेजन पे बनती है। और इसके अलावा हमारे पास सर सिड्डू है जो यहाँ का बहुत ही फेमस डिश रहती है सर, जो अपर हिमाचल की है। ये स्टीम बीट बन होता है, अंदर इसके स्टफिंग रहती है नमकीन और मीठे में, जो आपको चाहिए होती है। अच्छा, इसके अलावा बाबू है सर, फ्राइड ब्रेड की तरह रहेगा, इसमें भी स्टफिंग रहेगी नमकीन और मीठे में, फ्राइड ब्रेड होता है बेसिकली। और इसके अलावा पटांडे है सर, व्हीट पैनकेक रहता है मीठे और नमकीन दोनों में। ठीक है, बाकी सर ये रेडू है एक, ये छोंके वाली लस्सी होती है। ठीक है, रेडू हल्की सी स्पाइसी रहती है। हाँ, तो बेसिकली कांगड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है शायद, और मंडी एक डिस्ट्रिक्ट है, उस पे बेस्ड है मेरी खासी, है ना? हाँ जी। हमारे पास तो जो आ जाए मंडियाली धाम थाली होगी, हम डे वाइज बनाते हैं सर थाली। तो मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ का एंड देन देखते हैं, मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या खाना है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है हाफ मंडियाली धाम थाली एंड यहाँ पर सिड्डू भी है, जो मैंने बहुत सुना है सिड्डू के बारे में भी फेमस है, तो सिड्डू भी ले सकते हैं सर। ये ब्लैक वाली दाल जिसको मां दाल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सर सेपू बड़ी, दाल की बढ़िया, पालक की ग्रेवी में और दही लगा होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद खट्टा कद्दू सर। खट्टा कद्दू सर जी। ठीक है, इसको खट्टे करने के लिए इसमें इमली का यूज होता है सर। ओके, उसके बाद राजमा का मदरा, इसमें जो राजमा के मदरे में दही खोया हाँ का यूज होता है सर इसमें। ओके, उसके बाद कड़ी है, मंडी में इसको झोल बोलते हैं, झोल बोलते हैं मंडी में कड़ी को। ठीक है, लास्ट में पम्पकिन एंड ड्राई फ्रूट स्वीट रहेगा सर। पम्पकिन एंड ड्राई फ्रूट, ये राइस है ना? ठीक है, राइस के साथ ही सर, राइस के साथ सर्व होता है सारा। तो यार मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टेस्ट करी एंड मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी लगी है, खासकर ये एक, ये और यहाँ की कड़ी जो कि झोल बोलते हैं वो भी अच्छा है एंड ये स्वीट डिश भी बहुत बढ़िया है एंड इसको भी कह सकते हैं अच्छा लगा। ये थोड़ा सा खट्टा है, मैं खट्टा थोड़ा कम खाता हूँ तो इस वजह से मुझे ओके लगा, बट ये बुरा नहीं है, जिनको पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल थाली का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो चलो इसको जल्दी से फिनिश करके होटल में चलते हैं।